नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। अक्टूबर महीना वृषभ लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, मैंने लग्न शब्द इस्तेमाल किया टोरस एसेंडेंट, एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल किया है। जब आप ऐसे वीडियो देखते हैं तो उसको समझने की कोशिश करिए, एस्ट्रोलॉजर जो प्रेडिक्शन करते हैं उसका बेस क्या है, और इसका बेस है मैं लग्न से प्रेडिक्शन करता हूं, नंबर वन। नंबर टू, आपकी बहुत सारी कुंडलियां है, देखिएगा सब सारी कुंडलियों, सबसे पहली नॉर्थ इंडियन स्टाइल में इसी तरीके से कुंडली होती है, इस पर लिखा होता है लग्न कुंडली। आप देखिएगा उस लग्न कुंडली में पहले घर में यहाँ दो लिखा होगा, टू मतलब दूसरी राशि आपका लग्न है और दूसरी राशि है वृषभ। इसके लिए आप मेरा ये वीडियो देखिएगा। अगर आपके दूसरे भाव में सेकेंड हाउस में वृषभ लिखा, यानी कि ये फर्स्ट घर में दो लिखा है तो आपकी दूसरी राशि है, तो ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज ये वीडियो को यहीं स्टॉप कर दीजिएगा। अभी आपके लिए देखिए, वृषभ लग्न के लिए मैंने ये महीने का लिखा है, एंजॉय शॉपिंग एंड केयरफुल फॉर योर हेल्थ। दिवाली आई है ये महीने में, देखिए दिवाली भी है और नवरात्रि भी है, दो पर्व हमारे अच्छे पर्व आप गुजरेंगे उससे। और मैं आपको पर्टिकुलरली दिवाली का मुहूर्त भी बताता हूं इस वीडियो में, कभी दिवाली का टाइम है उसमें आपको क्या करना है और कौन से दिन को टालना है। दिस आर द बैड डेज, मैंने मार्क किया हुआ है, आप कहीं आपके पास कैलेंडर में मार्क करके रखिएगा, दिस आर द बैड डेज। और ये बैड डेज किस तरह से काम करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। अभी देखिए, वृषभ लग्न के लिए मैंने लिखा है एंजॉय शॉपिंग एंड केयरफुल फॉर हेल्थ। आप जन्मजात एक्सपेंसिव पर्सन तो है ही, क्योंकि लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह है आपका, सिक्स लॉर्ड एंड लग्नेश एक ही ग्रह, मतलब प्यार से लड़ना ही आपको बड़ा मजा आता वृषभ वाले को और स्कॉर्पियो वाले को। स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक, वृषभ और वृश्चिक का लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह है, प्यार से झगड़ा करने वाले लोग हैं। बट आप तो दिखने में भी बहुत सुंदर है, टोरस है, मम्मी बहुत प्रभावशाली। और देखिए ये महीना कैसा रहेगा ये मैं बताता हूं आपके लिए। ये महीने में देखिए, सूर्य कन्या राशि में है 17 अक्टूबर तक, यानी कि जो गया वो टाइम आपका लग्नेश पंचम में था 10 सितंबर से 3 अक्टूबर तक, यानी कि जो कवारे थे उन्होंने फ्लर्ट कर लिया, जो शादीशुदा है उन्होंने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ फ्यूचर तय किया है, और जो क्रिएटर्स है सर्जक है उन्होंने भी काफी चीज में इसमें ये महीने में यानी कि सितंबर महीने में तरक्की की है। बट अक्टूबर में एक्सपेंसिव टाइम रहेगा, खर्चे का टाइम रहेगा, और अगर आपके मैटरनल अंकल यानी कि मामा मौसी से कुछ एडवांटेज लेना चाहते हैं तो दैट विल बी द गुड टाइम। आप कोई लोन को प्लान कर रहे हैं, आपके बिजनेस के लिए कुछ लोन का प्लान कर रहे हैं और आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, तो 4 अक्टूबर से 27 अक्टूबर में शुक्र आपके 6वें स्थान में है और आप ये प्लान कर पाएंगे इजीली। और बाद में देखिए, और एक चीज मैं बताता हूं आपको कि सूर्य 17 सितंबर से 17 अक्टूबर आपके 5th हाउस में था, यानी कि संतानों ने आपको प्रतिष्ठा, बच्चों के मामले में प्रतिष्ठा बढ़ने का टाइम है सूर्य जैसा ग्रह का पंचम स्थान में आना। लेकिन 18 अक्टूबर से 16-11 तक शुक्र आपका सूर्य 6वें स्थान में जाएगा, नीच का ग्रह 6वें स्थान में हो तो ये हेल्थ के इश्यू बनाता है, सो केयरफुल फॉर योर हेल्थ। ये 6वें स्थान का सूर्य का फल है, और अगर आपको ऐसा लग ही रहा है कि इसमें कुछ किया जाए तो सूर्य के मंत्र का किए जा सकते हैं, जपा कुसुम संकाशम काष्ठे मा द्युतिः, ये जो वैदिक मंत्र है ये YouTube पर मिल जाएंगे आपको, इसको करिएगा। देखिए बुध, बुध तुला में है और बुध वक्री एकदम लास्ट 31 तारीख को बुध स्तंभी हो रहा है, यानी कि मार्गी वक्री होने के पहले थोड़ी देर रुकता है, लेकिन उसका इस महीने में इफेक्ट नहीं है, नेक्स्ट महीने में जाएगा। इस महीने में देखिए, बुध आपका तुला राशि में 6वें स्थान में है, धनेश 6वें स्थान में, खर्चे का टाइम तो है ही। अभी ये बुध आपका 22 अक्टूबर से चेंज होकर 23 अक्टूबर से वृश्चिक राशि में आ रहा है, और पंचमेश सप्तमेश परिवर्तन हो रहा है, यानी कि ये दिवाली में आपका स्पाउस के साथ या पत्नी है या प्रेमिका है, देखिए, और ये परिवर्तन है, मतलब पत्नी से प्रेम का जो काम का मैरिज लाइफ के लिए ये अच्छा योग बनेगा। मंगल और बुध का परिवर्तन हो रहा है, 23 अक्टूबर से 2 नवंबर में मंगल बुध का परिवर्तन है, यानी कि ये सप्तमेश और पंचमेश परिवर्तन है। सप्तम स्थान में गुरु है, अगर जो दो हुआ अनमैरिड उनके लिए मैरिज के लिए एक अच्छा टाइम है। आखिरी महीना है, नवंबर से गुरु बदल रहा है, यानी कि जो भी अगर कंफर्मेशन कर सकते हैं, नवंबर के बाद विवाह का योग आपका वृषभ वालों का खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा,
सप्तमेश पंचमेश परिवर्तन है, बहुत अच्छे टाइम से गुजरेंगे आप 23 अक्टूबर से 2 नवंबर में, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्लान कर पाएंगे। शनि जैसा ग्रह अष्टम स्थान में, शनि राहु का अपोजिशन है, अपने पत्नी के परिवार और आपके परिवार में जो आप दबाव महसूस कर रहे हैं, डेफिनेटली एक दबाव है ही, शनि राहु का अपोजिशन अगर है तो विष्णु सहस्त्र नाम करिएगा। मेरे हिसाब से आप पर दबाव आना ही चाहिए, अभी डिग्री करी और आपके मिड पॉइंट पर टच होना चाहिए। देखिए यहाँ धन स्थान में जो मिथुन राशि में जो मिड पॉइंट है वहां टच होने के बाद, और यहाँ शनि का अभी शनि बॉर्डर पर आ चुका है, यानी कि अब तो वो आगे जा रहा है शनि, भाग्य भाग्य में आ जाएगा, यानी कि कम से कम जो अभी अगर तनाव है अगर आपके या परिवार, पत्नी का परिवार और आपके परिवार में, या पति के परिवार और आपके परिवार में अगर तनाव है तो विष्णु सहस्त्र नाम करके नारियल को बहते जल में छोड़िएगा, इट विल बी अ बेनिफिटेड डेफिनेटली। अभी देखिए मंगल जैसा ग्रह आपके लिए पंचम स्थान में, बच्चों में एक एनर्जेटिक बता रहा है वो, 25 सितंबर से 9 नवंबर तक, अक्टूबर पूरा महीने तक मंगल पंचम में है, मंगल करे दंगल है। देखिए बच्चों की एनर्जी को आप जनरेट ठीक तरह से जनरेट कर दो, मतलब कहां उसको यूज करना है ये तय कर दो तो बड़ा अच्छा रहेगा। उनके साथ विचारों में डिफरेंस पर मत नहीं आइएगा, मंगल मंगल फिफ्थ में है इसके लिए। शनि जैसा ग्रह देखिए मैंने बोला ऐसा अष्टम में है, भाग्य में आ रहा है। अभी राहु जैसा ग्रह धनस्थान में है, थोड़ा पारिवारिक विवाद तो दिलाएगा, राहु का धनस्थान में होना पारिवारिक विवाद है, सो केयरफुल रहिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम करने से लाभदायक रहेगा। अभी देखिएगा मैंने आपको फिर से एक बार मेरा चीज आपको रिवाइज करता हूँ, 6, 8 या 12वां चंद्र हो जब भी, ये चंद्र का डिटेल एग्जैक्टली तो टाइमिंग होते हैं बट ये अप्रोक्स आइडिया के लिए है, चंद्र 6, 8 या 12वां हो तभी मानसिक प्रेशर करता है, यानी कि 1 अक्टूबर को चंद्र तुला राशि में है 6वें स्थान में, मानसिक तनाव देगा। ये 4 अक्टूबर को धनु में है, 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर को ये मानसिक तनाव दे सकता है, और 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर ये भी मानसिक तनाव देगा, और 28 अक्टूबर से 29 अक्टूबर थोड़ा बहुत मानसिक तनाव रहेगा आपको, इसको ध्यान में रखिएगा। अभी बैड डेज को मैंने मार्क किया है, वो किस तरह से बैड डेज आप पर आ सकते हैं वो मैं बाद में बताता हूँ आपको, पहले मैं ये बताता हूँ कि देखिए 29 सितंबर से नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है, ये वीडियो आएगा आपके हाथ में तभी प्रारंभ हो ही चुका हो, होता ही होगा, और 8 अक्टूबर को दशहरा है। देखिए आपके कुंडली में लग्नेश शुक्र है, याद रखिएगा लग्नेश शुक्र है आपका मेन, जो कुंडली का जो ड्राइव करने वाला जो ग्रह है वो शुक्र है, इसके लिए आपको मौज हैप्पीनेस वो आनंद देता है, और ये शुक्र अगर आपके जन्म कुंडली में नीच राशि का हो, वक्री हो, या शत्रु जैसे कि केतु के नक्षत्र में हो, राहु के नक्षत्र में हो, तो आपको नवरात्रि में देखिए आपको शुक्र को बल देना है, कन्या भोजन करवाने से शुक्र खुश होता है, आपका लग्नेश है शुक्र, आप कन्या भोजन करवाइए। देखिए अनमैरिड हो, शुक्र वाले अनमैरिड नहीं रहते, वृषभ तुला और मीन ये 3 लग्न के लिए ब्रह्मचार्य को साध्य करना बड़ा मुश्किल है, और आप वृषभ लग्न है, इसके लिए डेफिनेटली मैं यही बोल रहा हूं आपको कि आप कन्या भोजन कराइए। देखिए संडे मैंने मार्क किया, देखिए 6 अक्टूबर है, संडे को बुलाइए लड़कियों को, संडे को फ्री होगी, बच्चे छोटे छोटे 8-9 साल से छोटी छोटी लड़कियां हो उनको बुलाना चाहिए, जो पीरियड में नहीं आती ऐसी लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपको, उनको घर पे बुलाइए, उनको यथाशक्ति अपने कन्याओं को गिफ्ट करिए, जैसे कि छोटी छोटी पर्स है, फिर बिंदिया है, नेल पॉलिश है, वैसी गिफ्ट, या स्कूल बैग है, या स्कूल की स्टेशनरी, इवन आप गुरु का भी दान कर सकते हैं, गुरु आपका अष्टमेश है इसके लिए भी ज्यादा लाभदायक रहेगा, साथ में ये भी मिला सकते हैं आप, मैंने बोला ऐसा नवरात्रि में कन्या भोजन कराइएगा, इट विल बी ए बेनिफिटेड। और दूसरा है ये दिवाली, देखिए दिवाली का दिन है 27 अक्टूबर को, सीधा 27 अक्टूबर पे आया हूं मैं, 27 अक्टूबर को देखिए मैंने दिवाली का मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए तुला राशि में सूर्य हो और तुला राशि में चंद्र हो, व्यापारी की राशि है तुला राशि, तुला राशि में सूर्य और चंद्र की युति हो तब व्यापार के लिए वो अनुकूल स्थिति आती है, इसके लिए हमारा सूर्य तुला राशि में और चंद्र भी तुला राशि में, अमावस का दिन, दीपावली का ये किया जाता है, महालक्ष्मी पूजन देखिए 27 अक्टूबर को है, आप इसको 27 अक्टूबर को महालक्ष्मी पूजन का दिन है हमारा। अभी इसमें देखिए स्थिर चर, स्थिर और द्वि स्वभाव, हर राशि में चर स्थिर द्वि स्वभाव में किया हुआ है,
वृषभ सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये जो राशियां है ये स्थिर तत्वों की राशि है, और स्थिर तत्वों में ही लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो लक्ष्मी जी हमारे घर आके स्थिर रह सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है हमारा, और इसके लिए वृषभ लग्न को हमने ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। वृषभ लग्न हो तभी लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। देखिए 27 अक्टूबर को 8 बजे बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास, मैंने चारों सिटी में देखा है, बराबर वृषभ लग्न का ही, वृषभ लग्न ही है चारों में। हाँ, दोस्त हु वॉन्ट्स टू गो इन फर्दर डिटेल, तो ये बम्बई का टाइमिंग है जहां मैं रहता हूँ। और महालक्ष्मी पूजन देखिए 27 अक्टूबर को, कुंभ लग्न और कुंभ नवमांश, नवमांश भी और डिटेल में जाना चाहते हैं, अभी स्थिर लग्न और स्थिर नवमांश, तो नवमांश भी स्थिर चाहिए, यानी कि अभी नवमांश वृषभ का वृषभ आएगा, सिंह आएगा, वृश्चिक आएगा और कुंभ का नवमांश आ सकता है, जिसमें आप पूजा कर सकते हैं। तो देखिए कुंभ का नवमांश और वृषभ लग्न और कुंभ का नवमांश, जिस जो लोगों का काम सेवा से जुड़ा है वो इसमें पूजा करते हैं। वृषभ और वृषभ ये द बेस्ट टाइमिंग ये होता है हमारे बम्बई के हिसाब से, बट आपके लिए बेस्ट टाइमिंग यही है 20/8 से 20/21 तक आपके लिए बेस्ट टाइम रहेगा, नवमांश भी है। अगर आपके पास और डिटेल में नहीं जाना है और 8 बजे पूजा करेंगे तो चलेगा। 20/48 से 21/2 वृषभ लग्न सिंह नवमांश, ये मैं करूंगा, मैं इसकी वजह बताता हूँ। मेरे लिए वृषभ मेरा तुला लग्न है, वृषभ अष्टम में आता है इसके लिए, और ये सिंह मेरे लिए 11वें स्थान में आता है, मेरे 11वें स्थान में सिंह आएगा, लियो लाइन, इसके लिए मैं इसी दिन करूंगा। अभी देखिए और एक चीज बताता हूँ, आप पूछेंगे कि महालक्ष्मी पूजन उस दिन करना क्या। देखिए उस दिन आपके पास श्री यंत्र हो, देखिए श्री यंत्र मिलता है, श्री यंत्र कहीं से लेके आके उसकी पूजा करके उसको आप रख सकते हैं पूजा में, लक्ष्मी जी का फोटो तो चाहिए ही चाहिए। श्री सूक्त और उवग सरम, श्री सूक्त 14 श्लोक है, 18 लाइन है टोटल, और सिर्फ ओम ये सूची प्रद तो बुतवा द्वादश मनवहम श्री सूक्त पंचदर्श सतत जपेत, मतलब ये 15 श्लोक आप सतत कंटिन्यू जाप करते रहो, दिवाली के दिन 8 बजे शाम को करना शुरू कर दो, जब तक कर सकते हो करिएगा, लक्ष्मी जी का आपके घर पे स्थिर रहे। इसके लिए जो जैन है उनके लिए उवग सरम है, उवग सरम पासम पासम बंदामी कमदान मुक्का, वो श्री यंत्र ऐसे हाथ में रखे, हाथ ऊपर करके इसको करते हैं उवग सरम को, उवग सरम भी कर सकते हैं आप। और शंकराचार्य रचित कनक धारा स्त्रोत्र है, देखिए ये कनक धारा स्त्रोत्र भी आप तीसरा है, कनक धारा महालक्ष्मी पूजन के दिन आप 27 तारीख को 8 बजे कनक धारा स्त्रोत्र भी YouTube पर चला देंगे तो भी चलेगा। लक्ष्मी जी को यथाशक्ति पूजन करिएगा और खीर का भोग लगाइएगा। नेक्स्ट आपको अभी डेट वाइज में प्रेडिक्शन देने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ मैंने बताया है बैड डेज में, देखिए 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर है, यानी कि यहाँ ये बैड डेज में यहाँ भी है, देखिए 4 से 6, दिस इज द बैड डेज। एक ये 4 अक्टूबर का बैड डेज है, दूसरी बात ये 14 अक्टूबर का, तो 14 अक्टूबर का दिन तो बैड डेज में नहीं है हमारे हिसाब से, तो इसमें कोई ज्यादा तनाव नहीं आएगा आपको। और 28 अक्टूबर का, इसमें भी कोई ज्यादा तनाव नहीं है, बेसिकली ये दिन जरा ज्यादा केयरफुल रहना है आपको। 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर वाला जो टाइम है हमारा, इसमें ये ज्यादा केयरफुल रहना है, मैं बताता हूँ कैसा होगा। 1, 2 और 3 अक्टूबर यू विल एंजॉय न्यू आइडियाज, आप कोई नई आइडियाज आपके दिमाग में आएगा। आप अगर क्रिएटर है, सर्जक है, तो अच्छी बात है कि आप कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएटिविटी कर पाएंगे 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर में, 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर, मैंने बताया ऐसा। एंजॉय शॉपिंग है, वो शॉपिंग का टाइम है, देखिए दिवाली का टाइम के आजू बाजू का टाइम आ गया, नवरात्रि के आजू बाजू का टाइम आ गया, एंजॉय शॉपिंग। देखिए नवरात्रि का टाइम है, झगड़ा झगड़ी नहीं करिएगा, मैंने उसके लिए भी बोला केयरफुल फॉर योर हेल्थ, केयरफुल फॉर इवन स्ट्रगल, क्या बोल सकते हैं, कोई किसी से झगड़ने वाला काम भी इस दिन में हो सकता है 4, 5, 6 में, सो केयरफुल। हाँ, अगर मामा मौसी से कुछ बेनिफिट लेना है, अगर आपने लोन कहीं अप्लाई कर रखा है, तो ये 4, 5 और 6 बैड डे, ये गुड डे में साबित हो सकता है। 7 और 8 अक्टूबर मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ आपके लिए बहुत अच्छा समय साबित होगा, 7 और 8 अक्टूबर स्पाउस के लिए, मैरिज लाइफ के स्पाउस के लिए, यानी कि पति या पत्नी के साथ विचारों में आपके कहीं ना कहीं आप टैली कर पाएंगे, और अनमैरिड हो तो उनके लिए भी अच्छा है। और जो स्टूडेंट है, देखिए स्टूडेंट के लिए अभी नवंबर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, नवंबर के बाद 8वां गुरु जाएगा, दे हैव टू बी केयरफुल, अभी तक जो पोजीशन है
उससे पोजीशन हाथ से जाती हुई दिखाई देगी। सो केयरफुल रहिएगा दोस्त और स्टूडेंट, उनका गुरु अभी अच्छा है, नवंबर के बाद बिगड़ने वाला है, तो अभी प्रिपरेशन करिएगा। सितंबर और अक्टूबर महीना आपके हाथ में है, अक्टूबर का ये वीडियो है, बाद में नवंबर से 5 नवंबर से आपका गुरु बदल रहे हैं, थोड़े केयरफुल ज्यादा रहने की जरूरत पड़ेगी। 9, 10 और 11 अक्टूबर नॉट ए गुड डे, ये अच्छा दिन नहीं है। देखिए ये मानसिक तनाव दे सकता है, कहीं ना कहीं कैलेंडर पे ये डेट लिख के रखिएगा, 9, 10 और 11 अक्टूबर थोड़े केयरफुल रहिएगा। अपने पति या पत्नी के परिवार से तरफ से भी थोड़ा बहुत अपमानजनक सिचुएशन आपके ऊपर एराइज हो सकता है 9, 10 और 11 में। 12, 13 और 14 देखिए आपकी मानसिकता एकदम रिलीजियस हो गई होगी। इट विल बी ए लकी ट्रैवलिंग, अगर कोई हो सकता है आप लकी ट्रैवलिंग को जा सकते हो, कोई मंदिर की विजिट भी कर सकते हो 9, 12, 13 और 14 में। 12, 13 और 14 अक्टूबर रिलीजियस, इट विल बी ए लकी डे। 15, 16 और 17 आपके काम धंधे के लिए द बेस्ट डे साबित होगा। जैसे कि यहाँ बेस्ट डे लिखा है तो बेस्ट डे आप लिख सकते हैं इसमें, बेस्ट डे में आप 15 से 17 लिख सकते हैं, 15, 16, 17 ये काम धंधे के लिए बेस्ट साबित होने वाला दिन है। किसी भी बड़ी कोई मीटिंग करना चाहते हैं और जिसमें आपको शक है कि ये मीटिंग का फल आपके फेवर में नहीं हो सकता, रिस्क की जगह लगे वहां जाइएगा, आपका काम 15, 16 और 17 को हो जाना चाहिए। 18 और 19 देखिए, दिस इज द टाइम टू एंजॉय विद द फ्रेंड्स। 18, 19 और 20 दोस्तों के साथ मजा करने का टाइम है। कुछ हो सकता है, देखिए आपके जो पैसा जमा किया हो उसमें कुछ चेंजेस करने का सोचेंगे आप, कोई दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं कोई नई स्ट्रेटेजी करने की कोशिश करेंगे आप। 20, 21 और 22 इट इज द बैड डे, एक्सपेंसिव डे, मैंने बोला ऐसा जो एंजॉय शॉपिंग वाला टाइम है पूरा महीने के दौरान, केयरफुल फॉर हेल्थ और एंजॉय शॉपिंग वाला जो टाइम है उसका दूसरा एपिसोड यहां आपको मिलेगा 20 से 22 में। सो इस दिन को हाथ से अगर देखिए हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, नो रॉन्ग डिसीजन, बी केयरफुल। 20, 21, 22 को अगर कितना भी बड़ा गोल्डन ऑफर आ जाए उसको कंफर्म ना हो तब तक उसमें आगे नहीं चलिएगा। 23, 24 और 25 आप अपनी गलतियों को रियलाइज करने की कोशिश करेंगे और नया स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करेंगे 23, 24 और 25 को। 26 और 27 आपके हाथ में पैसा आना चाहिए, इस महीने का सबसे दमदार पैसा आपके हाथ में आए तो 26 और 27 को आ सकता है, 26 एंड 27। ये दिन में आप यू विल एंजॉय फूड, फैमिली एंड फाइनेंस। 26 और 27 को आप आपके परिवार के साथ आनंद में होंगे, 26 और 27 को बहुत एंजॉय करेंगे आप। 28, 29 और 30 ये तो टाइम है, ये आपके सहोदर यानी कि भाई बहनों के लिए है। 28, 29 और 30 इसमें अगर आप कोई पड़ोसियों के साथ कोई रिलेशन इंप्रूवमेंट करना है तो वो कर पाएंगे, कोई अगर आप कोई किसी का फोन कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं या कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम काज है तो 28, 29 और 30 में आप वो काम हो जाएगा। अगर आप मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो शॉर्ट टर्म मार्केटिंग के लिए शॉर्ट आपको ट्रैवलिंग में जाना पड़ सकता है 28, 29 और 30 और इसमें सक्सेस हो जाएंगे आप, ये दिन भी अच्छा रहेगा आपके लिए। 31, 1 और 2 नवंबर 31, 1 और 2 नवंबर यू विल फाइंड हैप्पी योरसेल्फ एट होम, आप आपके घर पे अपने आप को खुश महसूस कर पाएंगे 31 अक्टूबर से 2 नवंबर में। दिस विल बी अ बेस्ट डे, ये भी एक अच्छा दिन में से रहेगा, बट ये आप घर पे रहेंगे। देखिए काम धंधे के लिए मैंने बेस्ट डे बोला है आपको 15, 16 और 17 15, 16 और 17 कोई भी बड़ा मीटिंग हो वहां जा सकते हो, 18, 19 भी चलेगा, बट 20 और 22 को 20, 21 और 22 को टालिएगा। ये बैड डेज जो है देखिएगा, ये बैड डेज जो मैंने बोला है ये काम करेगा ही और करता ही है, मैं ये डरा नहीं रहा हूं, बट अपने हाथ में है अगर आपके तो इस डेट्स को हो सके तो टालिएगा। बाकी मैं आप लोग को दिवाली की शुभकामना दे रहा हूं और देखिए लक्ष्मी पूजन का दिन 27 अक्टूबर के दिन आप लोग पूजा करें, 8 तारीख को लक्ष्मी पूजन करें यथाशक्ति, जो मंत्र कर सकते हैं देखिए श्री सूक्त ओम रीम श्री लक्ष्मी भ्यो नमः, ओम रीम श्री लक्ष्मी भ्यो नमः ये मंत्र ही कर लो, और कुछ अगर झमेले में नहीं पढ़ना आपको तो यही मंत्र करते रहो, ओम श्री रीम श्री लक्ष्मी भ्यो नमः। और ये मंत्र जितने हो 8 बजे से शुरू करिएगा, फिर जब तक होता है तब तक एक बैठक में, पहले बैठक को भी सिद्ध करनी पड़ती है कि एक जगह पे बैठने के लिए कितना देर इंसान ज्यादा बैठ सकता है, उस बात को इम्पोर्टेंट है, आप कितनी देर तक बैठ सकते हो करिएगा।
थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।